अस्सलाम वालेकुम, मेरे हस्बैंड बुलाते बहन भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, गर्मी कितनी है? इससे ज़्यादा गर्मी है, मौसम बहुत ख़राब है यार। मैंने कल कपड़े धोए थे, क्या मच्छर हो रहा था ये मैं जानती हूँ या मेरा दिल जानता है, मर्दों को क्या पता होगा। लेकिन क्या थे, बस बता रही हूँ कि कल मैंने काम किया, मैंने कपड़े धोए, ढेर सारे कपड़े धोए थे। तो और सुनाएं, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसके यहाँ गर्मी हो रही है? मसलन कराची में तो है गर्मी, कराची वालों को अगर मैं पूछूंगी तो कहेंगी कि हाँ गर्मी बहुत है। इससे आगे लोग बताएं, फैजाबाद वाले, इस्लामाबाद वाले, रावलपिंडी वाले, दुबई वाले, सब बताएं कि गर्मी कितनी है, उनके मौसम कैसा है। अच्छा जी, और देखें ये चीज़ हमारे हस्बैंड लाए थे, उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन उनसे अटैच नहीं हो पा रहा। अगर किसी को पता है इस माइक का कैसे हो सकता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि हमारे हस्बैंड। पहले आप ये बता दो कि ये माइक कौन सा है, 3.5 mm का बोया माइक है ये? आपकी आवाज़ पहुँच गई? हाँ, मेरी आवाज़ पहुँच गई भैया। इमरान की आवाज़ पहुँच गई ना, मेरा बोलना तो लाजमी नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटे नहीं जाते, नाराज नहीं होते, लेकिन मैंने यहाँ दुनिया में ऐसे रिश्ते देखे हैं कि जो सगे होते हैं बहुत पास होते हैं, बहुत करीब होते हैं, लेकिन उनमें दूरी होती है। ये सवाल मैंने इमरान से पूछा, दिलों में दूरी क्यों होती है? तो मैंने बहुत नाइस जवाब में दे दिया कि दिलों में दूरी होती नहीं है, लेकिन हम लोग इंसानों को दूरी पैदा करते हैं। जैसे बहन भाई का रिश्ता हुआ, माँ बेटी का रिश्ता हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए आजकल की जिंदगी में। तो बहुत सी बातों में ऐसा अफसोस हो पता है, फिर मैंने बता रही हूँ इमरान ने मुझे बहुत अच्छी बात की। इमरान ने कहा कि पहले जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, इनको दुनिया को ख़त्म करना चाहिए, रिश्तों को करीब करना चाहिए। और क्या कहते हैं, जो लोग दूर हो रहे हैं तो सब कहिए, मैं तो ये कहती हूँ कि ज़िंदगी वाकई बहुत छोटी सी है, कब ज़िंदगी से हम चले जाए, ज़िंदगी हमसे रूठ जाए। इससे पहले मैं सबसे यही कहूँगी कि यार आपस में जोड़ जाओ, सीरियस बात कर रही हूँ। तो ज़िंदगी बहुत छोटी सी है यार, हमें सबको मिल के रहना चाहिए। हम क्यों रूठे हुए हैं, क्यों हमारे ऐसे, और चलो रूठे हुए तो है, लेकिन आप कहो कि पूरी चीज़ें क्यों लोग फैल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मैं तो इन सबसे तो एक ही मैसेज दूंगी यार, मिलजुल के रहो, ज़िंदगी को बढ़ाने अपनी ऐसी मोहब्बत अपने लिए पैदा करो कि कल को अगर हम इस दुनिया से जाते हैं तो लोग हमें याद तो रखें, ये दुआओं में याद रखें, और हमारे लिए कोशिश ही करते रहें कि यार जब हाथ उठे ना क्योंकि यार बड़ा बंदा बहुत अच्छा था। अली भाई से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ अली बेटे से कि यार आपस में मिल लो, माँ माँ होती है, अगर माँ बच्चे का, एक दफ़ा कहते हैं ना कि मार भी होती है ना किसी का, वो प्यार भी कर रही होती है। इसी दफ़ा भी मैंने इसी बात से वीडियो बनाई थी, और लेकिन मैंने फिर देखा कि फिर इन दोनों में किस तरह हो रही है लड़ाई झगड़े। तो देखिए, दूसरे को मौका मत दें, दूसरे हम पे हंसते हैं, दूसरे के अच्छे से खुल के भी लोग देखते होंगे ना, तो हंसते होंगे कि यार पिछली दफ़ा भी माँ बेटों में लड़ाई हो रही थी और इस दफ़ा फिर हो गए, तो लोग समझते हैं कि आप व्यूज लेने के लिए या सब्सक्राइबर लेने के लिए आप ये काम करते हैं। तो मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के नहीं कहूँगी दोनों माँ बेटों से, आपस में मिल लो, आपस में यूट्यूब पर मत लाओ, मिल बैठ के और इसको देखो, सोच सोच आप दरमियान, आप उनके दरमियान किस बात की लड़ाई है। बस मेरी तो यही गुजारिश है, तो आप अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, और हाँ, रुकिए रुकिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी अच्छे से करिएगा, और इस बारे में जरूर बताइएगा 3.5 के बारे में कि ये माइक कैसे अटैच होगा मोबाइल से, ये हम पढ़े लिखों को नहीं आ रहा, अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, तो हम पढ़े लिखे लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आप अपनी बहन डायलॉग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।